नमस्कार, आप देख रहे हैं जी टीवी न्यूज। इटावा जनपद के कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत मोहल्ला नखालसा में मामूली विवाद को लेकर एक ही परिवार के लोग आपस में झगड़ गए। झगड़ा इस कदर हुआ कि दोनों तरफ से लाठी डंडा चलना शुरू हो गया। बताया जा रहा है कि दो दिन पहले किसी विवाद को लेकर एक ही परिवार के लोग आपस में झगड़ गए थे, जिसके बाद मामला शांत हो गया। वही आज फिर से परिवार के लोग आपस में झगड़ गए। इस दौरान झगड़ा इस कदर बढ़ा कि दोनों तरफ से फायरिंग शुरू हो गई। इस दौरान इस घटना में दो लोगों को गोली लगी है, जबकि पांच लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। वही सातों लोगों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर डॉक्टरों के द्वारा घायलों का उपचार किया जा रहा है। इस मामले में अपर पुलिस अधीक्षक रामयश सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि इस मामले को पुलिस गंभीरता से संज्ञान में ले रही है और जाँच पड़ताल की जाएगी। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पेश है इटावा से राहुल तिवारी की एक खास रिपोर्ट। क्या घटना हो गई? झगड़ा तो लोग हमला कर दिया घर में आके। किसने कर दिया हमला? सुहास यादव, लल्ला यादव, भूपेन यादव। कितने लोग घायल हैं? हम लोग दो तीन के गोली लगी हुई है और बहुत बादशाह भूखे उन्हें तलवार से मारा है। टोटल कितने लोग घायल हैं? हम लोग हैं 8-7 लोग घायल। कौन से थाना क्षेत्र की घटना है ये? मोहल्ला लखा से हमला है, कोतवाली थाना क्षेत्र के नखासे से। कितने लोग घायल हैं और कितने लोगों को यहाँ से रेफर किया जा रहा है? कोतवाली से मामला है, 7 लोग घायल आगे होके आए हैं, 2 लोग को गोली लगी है और उनका मेडिकल करने के बाद उन्हें सफाई के लिए रेफर किया जा रहा है। बाकी लोगों का इलाज अभी चल रहा है। कितने लोगों को गोली लगी, कितने लोग घायल हैं? अब 2 लोग गोली लगी है, 5-6 लोग करीब घायल है। पुराना शहर में चौकी जो है उसमें नखासा एक स्थान पड़ता है। यहाँ दो परिवार हैं, दो परिवार में एक सचिन लड़का है और एक उसमें जितेंद्र है। जितेंद्र से जो जानकारी में मिली है उससे ये पता लगा है कि इनकी लड़ाई का कारण ये है कि परसों, आज के 2 दिन पहले इनमें आपस में कुछ विवाद हुआ था, कहा सुनी हो गई थी, तो उसी को लेकर आज 9:30 बजे के आसपास वहाँ पर नखासा में ही ये जब एक दूसरे के सामने आए तो इनमें फिर से विवाद हुआ। जब विवाद हुआ तो फिर उनके जो और लोग थे वो भी उसमें इन्वॉल्व हो गए। एक तरफ से 4 लोगों को चोट आई है, 5 लोगों को चोट आई है, जिनमें से 4 लोगों की ईटा पत्थर से चोट आना बताया गया है। और एक जो जितेंद्र है उसको कह रहे हैं कि फायरिंग हुई है, तो फायरिंग से छर्रा वगैरह लगने की बात बताई जा रही है। तो इस तरह से करके दोनों यादव परिवार हैं और इनकी लड़ाई हुई है। इनका जो भी घायल है उनका इलाज कराया जा रहा है, अभी तक तहरीर नहीं आई है, लेकिन यही जो इलाज करा रहे हैं यही इसके लड़ाई के कारण है, ये सूत्रधार है, इन्हीं लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी।